हेलो दोस्तों दोस्तों, आज हम बुलेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। बुलेट को पसंद करने वाले लोग कहते हैं, बाइक हो तो बुलेट जैसी हो वरना ना हो। दोस्तों ये गाड़ी रोड से ज्यादा लोगों के दिलों पर राज करती है। दोस्तों भले ही हमने इसके एड्स टीवी में ना देखे हो, लेकिन इसकी ताकत से हम सब वाकिफ है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रॉयल इनफील्ड बुलेट की, जिसके भारत में ही नहीं विदेश में भी बहुत सारे फैंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले दोस्तों, रॉयल इनफील्ड की शुरुआत साल 1862 में अल्बर्ट एडी ने किया था, और उस समय इसका नाम एडी मैन्युफैक्चरिंग था, जो कि रॉयल स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री के लिए बंदूक के छोटे छोटे पार्ट्स बनाने का काम किया करती थी। आगे चलकर 1896 में एडी मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत एक कंपनी बनाई गई, जिसका नाम दिया गया द न्यू इनफील्ड साइकिल कंपनी। यह कंपनी मुख्य रूप से साइकिल और उसके कंपोनेंट्स बनाती थी। कुछ सालों बाद कंपनी ने एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने के फैसला लिया, और 1901 में उन्होंने साइकिल पर ही इंजन जोड़कर रॉयल इनफील्ड ने अपना पहला मोटरसाइकिल लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने मेनोवर नाम की कंपनी का इंजन यूज़ किया। और फिर 1903 में कंपनी ने कार प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया और कंपनी आगे बढ़ी। हालांकि उन्होंने इस बिजनेस में अगले कुछ साल तक बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा, और फिर 1907 में उन्होंने अपनी कार बनाने वाली कंपनी को, ऑल डेज नामी कंपनी को, बेच दिया। लेकिन मोटरसाइकिल बनाने के बाद उन्हें सबसे बड़ी सफलता 1914 में मिली, जब उन्हें ब्रिटिश डिपार्टमेंट को मोटरसाइकिल सप्लाई करने का ऑर्डर मिला, और फिर इंपीरियल रशियन गवर्नमेंट ने भी उनसे मोटरसाइकिल खरीदने का फैसला किया। यहां से इनफील्ड की मोटरसाइकिल बहुत प्रसिद्ध हुई। दोस्तों ये सारी बातें तो विदेश की हो गई, तो चलिए जानते हैं कि भारत में रॉयल इनफील्ड ने अपना कदम कैसे जमाया। रॉयल इनफील्ड को भारत में 1949 में लाया गया था, पर इसे 1954 से लोगों ने पसंद करना शुरू किया, जब भारतीय सरकार ने पुलिस और आर्मी के लिए इसका यूज़ करना शुरू किया। 1955 में रॉयल इनफील्ड कंपनी ने मदर मोटर के साथ पार्टनरशिप की। उसके बाद रॉयल इनफील्ड ने अपना काम इंडिया में शुरू किया। आगे चलकर रॉयल इनफील्ड इंग्लैंड को ज़बरदस्त घाटा मिला, और इसीलिए 1971 में वह कंपनी बंद हो गई। लेकिन भारत में भी इस कंपनी का प्रोडक्शन चालू रहा। हालांकि भारत में भी इस कंपनी को घाटा हो रहा था, इसीलिए यह कंपनी आगे चलकर इचर मोटर लिमिटेड के साथ मर्ज हो गई, और इचर ग्रुप के मालिक विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ ने साल 2000 में आउटलैंड और मार्केटिंग के दम पर इस मोटरसाइकिल की बिक्री बढ़ा दी, और रॉयल इनफील्ड बाइकर्स के लिए अलग अलग राइड्स भी ऑर्गेनाइज करती है, जिससे लोगों में इस कंपनी का क्रेज और भी बढ़ता है। और इस समय इनफील्ड की बाइक केवल भारत में ही नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया जैसे 50 से ज़्यादा देशों में बेची जा रही है। और अभी सितंबर 2017 को रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 और क्लासिक 500 मॉडल की बाइक भी मार्केट में आई है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि रॉयल इनफील्ड की इस सफ़र को आप पसंद करेंगे, और हमें अपना प्यार इसी तरह देते रहे दोस्तों। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इंटरेस्टिंग रिसर्च के लिए और इंटरेस्टिंग बातों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।